रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी लंबी उम्र और संपन्नता के लिए कामना करती हैं। तो सबसे पहले राखी बांधने का सबसे सही तरीका, सबसे पहले राखी की थाली सजाएं। इस थाली में रूली, कुमकुम, अक्षत, पीली सरसों के बीज, दीपक और राखी रखें। इसके बाद में भाई को तिलक लगाकर उसके दाहिने हाथ में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधें। राखी बांधने के बाद भाई की आरती उतारें, फिर भाई को मिठाई खिलाएं। अगर भाई आपसे बड़ा है तो चरण स्पर्श का आशीर्वाद लें, और बहन बड़ी हो तो भाई को चरण स्पर्श करना चाहिए। राखी बांधने के बाद भैया को इच्छा और सामर्थ्य के अनुसार बहनों को भेंट देनी चाहिए। ब्राह्मण या पंडित जी अपने यजमान की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधते हैं। ऐसा करते समय मंत्र भी पढ़ना चाहिए। ओम येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबल तेन त्वामापि बंधयापि रक्षे माँ चल माँ चल। इस तरह से रक्षा सूत्र बांधने का खास तरीका है। और इस दिन बहनें अपने भाई को राखी की थाली में रूली, कुमकुम, अक्षत, पीली सरसों के बीज, नारियल, मिठाई और भाई के लिए कपड़े और रुमाल रख सकती हैं। और साथ ही साथ इस दिन बहनें शुभ मुहूर्त पर भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है, तो बदले में भाई बहन को जीवन भर रक्षा देने का वचन भी करते हैं। इसके साथ ही भाई बहन को देता है बहुत सारे गिफ्ट्स जैसे पैसे। अगर भाई इस रक्षाबंधन आप पर इतना प्यार बरसाएं तो बहनों का फ़र्ज है कि वो भी राखी को स्पेशल बनाएं। रक्षाबंधन को स्पेशल बनाने के लिए आप राखी की थाली को स्पेशल तरीके से सजा सकते हैं। उसके लिए थाली में इन सब चीज़ों का ले सकते हैं। तो ये थी खास जानकारी। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन बटन दबा दीजिए। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा।